तो व्यूअर्स, फिर से स्वागत करता हूँ नया वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपका फ़ोन जो है वो फ़ोन को आप कंप्यूटर कैसे बनाएंगे। या आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फ़ोन है, ये मैं कंप्यूटर विंडोज़ 10 जो है, मैंने विंडोज़ 10 पे बना लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल विंडोज़ 10 की जैसे मतलब फ़ीचर है, जैसे लुक है वो ये मतलब वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप पूरे देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कंप्यूटर का जो जो फीचर सब है यहाँ पे वही सब दिखाई दे रहा है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे यही आज मैं वीडियो में बताऊंगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करके मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 पे जो जो फीचर्स है, जो जो मतलब फीचर्स दिखाई देता है, सब कुछ फीचर्स इसमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये मेरा फ़ोन जो है, आप इस पीसी में भी देख सकते हैं कि विंडोज़ में जो लुक है विंडोज़ 10 में जैसे दिखाई देता है, ये वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो आप भी इसको मतलब वैसे ही कर सकते हैं, आपके फ़ोन को आप कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे अपने फ़ोन को कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है यही मैं आज बताऊँगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना पड़ेगा, आप लोगों को एक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा कंप्यूटर लॉन्चर। तो कंप्यूटर लॉन्चर बोल के सर्च करने के बाद जो ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन को आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद इसे ओपन करनी है। तो ओपन करने के बाद सीधा ऐसा लुक आ जाएगा, यानी कि कंप्यूटर जैसा लुक आपको दिखाई देगा। तो फिर आपको क्या करना है, लुक को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए या और भी बेहतर करने के लिए, आप एक विंडोज़ 10 का जो वॉलपेपर होता है, आप वो वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो लुक को थोड़ा बेहतर करने के लिए आप यहाँ पे विंडोज़ 10 का जो वॉलपेपर है, विंडोज़ 10 वॉलपेपर जो है, आप यहाँ से वॉलपेपर को भी डाउनलोड कर लेना। तो विंडोज़ 10 का जो वॉलपेपर है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारा विंडोज़ 10 का वॉलपेपर है। आप यहाँ से किसी भी एक विंडोज़ 10 वॉलपेपर को यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड इमेज करके आप अपने वॉलपेपर जो है वॉलपेपर पर सेव कर देना। तो वॉलपेपर पर सेव करते ही आपका जो लुक है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरफ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने एक विंडोज़ 10 का वॉलपेपर डाउनलोड कर लिया और अपने डेस्कटॉप पर सेट कर दिया। तो ये लुक बिल्कुल अभी विंडोज़ 10 की तरह ही लग रहा है। तो अब भी ऐसे ही करना, प्ले स्टोर से कंप्यूटर लॉन्चर डाउनलोड करके बस वही लॉन्चर को आप एक्टिवेट कर देना। फिर आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र से विंडोज़ 10 का जो वॉलपेपर है, आप वो वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना। बस ये कंप्यूटर की तरह लुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जैसे रिसाइकल बिन होता है, यहाँ पे भी रिसाइकल बिन है। और दिस पीसी में भी आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया कि ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही लुक लग रहा है। तो आपका जो सा फ्रेंड है, फ्रेंड्स देख के तो हैरान हो जाएंगे कि आप मोबाइल में कंप्यूटर का लुक कैसे किया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में।